नमस्कार, आज हम आपको हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण देवता और रामायण के प्रमुख पात्र भगवान हनुमान की अद्भुत क्षमताओं पर चर्चा करेंगे। कल्पना कीजिए, एक ही छलांग में महासागर को पार करने में सक्षम, जैसे एक सुपरहीरो की कहानी। आइए उनके जन्म से लेकर आज तक की कहानी शुरू करते हैं। चैनल में नए हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। हनुमान का जन्म अंजना और केसरी के पुत्र के रूप में हुआ था। उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार अंजना एक वानरी थी जो एक ऋषि के श्राप के कारण वानरी रूप में जन्मी थी। अपने श्राप से मुक्ति के लिए तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर वायु देवता ने उसे वरदान दिया। अंजना को हनुमान के रूप में एक पुत्र प्राप्त हुआ जो वायु देवता के पुत्र होने का सूचक है। बचपन में हनुमान ने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया। उनकी इस अद्भुत शक्ति और साहस को देखकर देवता चिंतित हो गए। इंद्र ने अपने वज्र से उन पर प्रहार किया, जिससे उनके जबड़े में चोट लगी और वे घायल हो गए। इसी घटना के कारण उनका नाम हनुमान पड़ा, जिसका अर्थ है विकृत जबड़े वाला। यह नाम उनकी असाधारण शक्ति और वीरता का प्रतीक बन गया। उनके प्रमुख नामों में हनुमत, हनुमंत, अंजनेय, केसरी नंदन, पवन पुत्र, बजरंग बली, वज्र जैसे कठोर अंग, संकट मोचन, मारुति, मरुता का पुत्र, कपीश्वर, बंदरों के स्वामी, रामदूत, महाकाय, विशाल शरीर, महावीर, महाबली, पंचवक्त्र, पांच मुख वाला आदि हैं। हनुमान का उल्लेख रामायण, महाभारत और पुराणों में मिलता है। शिव पुराण में उन्हें शिव के अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। वैष्णव परंपरा के अनुसार वायु देवता विष्णु के अवतारों की सहायता करते हैं, जैसे हनुमान ने भगवान राम की सहायता की थी। हनुमान का राम के प्रति अटूट समर्पण और सेवा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। दक्षिण भारतीय ग्रंथों में उन्हें शिव और विष्णु के मिलन का प्रतीक या अयप्पा की उत्पत्ति से जोड़ा गया है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव द्वारा हनुमान का रूप धारण करने का उल्लेख मिलता है। रामायण में हनुमान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे राम के सबसे बड़े भक्त हैं और उन्होंने अपनी भक्ति और सेवा से अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। जब सीता का रावण ने अपहरण कर लिया, तब हनुमान ने उनका पता लगाने का कठिन कार्य संभाला। उन्होंने एक विशाल छलांग में समुद्र पार कर लंका पहुंचकर सीता का पता लगाया और राम की अंगूठी उन्हें सौंपी। इसी क्रम में उन्होंने लंका को जलाकर रावण की सेना को चुनौती दी। लंका युद्ध में जब लक्ष्मण रावण के पुत्र मेघनाद के प्रहार से गंभीर रूप से घायल हो गए, तब वैद्य ने उन्हें संजीवनी बूटी लाने का सुझाव दिया। हनुमान तुरंत उड़ान भरकर हिमालय पहुंचे, लेकिन संजीवनी बूटी को पहचान न पाने के कारण उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और उसे युद्ध क्षेत्र में ले आए। इस अद्वितीय कार्य से लक्ष्मण का जीवन बच गया और राम की सेना में नया उत्साह भर गया। हनुमान की ताकत सिर्फ शारीरिक नहीं थी, भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति अद्वितीय थी। चमत्कारिक रूप से उनके हृदय में राम और सीता की छवियां थीं, जो दर्शाती हैं कि उनकी भक्ति केवल एक कर्तव्य नहीं थी, बल्कि एक गहरा प्रेम था। हनुमान का उल्लेख महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। महाभारत में भीम के साथ उनका संवाद प्रसिद्ध है। पुराणों में उन्हें शिव के अवतार और वायु के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया है। हनुमान को हिंदू धर्म में आजीवन ब्रह्मचारी माना जाता है और उनके विवाह या पत्नी का उल्लेख मुख्य धारा की रामायण या पुराणों में नहीं मिलता है। लेकिन एक दिलचस्प कथा है जो मकरध्वज नामक एक पुत्र के बारे में बताती है। इस कथा का उल्लेख रामायण के कुछ संस्करणों और विभिन्न पुराणों में मिलता है। लंका दहन के समय उनके पसीने की बूंद को एक मछली मकर ने निगल लिया। इसी मछली से मकरध्वज का जन्म हुआ। मकरध्वज एक शक्तिशाली योद्धा था और बाद में उसे पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया गया। रामायण के कुछ संस्करणों में जब भगवान राम और लक्ष्मण ने अहिरावण को पराजित करने के लिए पाताल लोक का दौरा किया, तो उनका सामना मकरध्वज से हुआ। हनुमान और मकरध्वज के बीच एक मुकाबला भी हुआ, जिसमें मकरध्वज ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। जब हनुमान को मकरध्वज की उत्पत्ति का पता चला,
तो उन्होंने उसे अपना पुत्र स्वीकार किया। प्राचीन काल में ऋग्वेद में एक दिव्य बंदर का उल्लेख मिलता है, जिसे वृषाक्पि और उसकी पत्नी कपि के रूप में वर्णित किया गया है। इस कथा में इंद्र, इंद्राणी, वृषाक्पि और कपि मिलकर प्रसाद का वितरण करते हैं और सह अस्तित्व की भावना को मजबूत करते हैं। कुछ लेखक का मानना है कि ऋग्वेद की वृषाक्पि हनुमान की ओर संकेत करती है। हनुमान को हिंदू धर्म में चिरंजीवी के रूप में मान्यता प्राप्त है। हनुमान अष्ट चिरंजीवी में से एक हैं, जिन्हें अनंत काल तक जीवित रहने का वरदान भगवान राम से मिला था। हनुमान चिरंजीवी होने के कारण आज भी अपने भक्तों के बीच मौजूद माने जाते हैं। भक्त उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन्हें संकट मोचन माना जाता है। उनके मंदिर हर कोने में पाए जाते हैं और हर मंगलवार और शनिवार को विशेष पूजा की जाती है। उनके गुण, वीरता, भक्ति और सेवा की भावना आज के समाज में भी प्रेरणा का स्रोत है। हनुमान चालीसा मंदिरों और घरों में गूंजती है। लाखों लोग चुनौती के समय में धैर्य और साहस के लिए इसका पाठ करते हैं। जय हनुमान। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल में जुड़े रहिए। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। धन्यवाद।